नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी बेहतरीन जानकारी को लेकर आए हैं कि LPC क्या होता है और LPC बनवाने के फायदे क्या हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक बहुत अच्छी जानकारी है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि LPC होता क्या है। तो LPC का मतलब होता है लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। यह सर्टिफिकेट यह दर्शाता है कि आपके हिस्से में ज़मीन कितना है और आपके हिस्से में ज़मीन कितना रजिस्टर्ड है। यह सर्टिफिकेट आपके पास होने से इसका फायदा यही होता है कि जब आप कोई भी ज़मीन पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। या तो आप प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का जब आप लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। या तो आप किसी भी ज़मीन के कार्यों के टाइम, कागजात के कार्यों के टाइम इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जानकारी देते हैं कि यह सर्टिफिकेट बनाते कैसे। तो दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपका जो ज़मीन का रसीद होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरीके का जो ज़मीन का रसीद होता है, आपका 2 से 3 मंथ पहले का यह ज़मीन का रसीद कटा हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, कि अगर यह ज़मीन आपके नाम से नहीं है, दादा परदादा के नाम से है, तो इसमें वंशावली आपका देना जरूरी होता है। अगर यह आपके नाम से है तो इसमें वंशावली देने का कोई ज़रूरत नहीं। और दोस्तों, LPC का एक फॉर्म होता है जिसको आपको भरना पड़ता है, और इसके साथ आपके प्रमाण पत्र लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इसका ज़रूरत पड़ता है। यानी मूल रूप से आपको 3 कागज होना आपके पास ज़रूरी होता है। तो मूल रूप से आपके पास 3 पेपर का ज़रूरत पड़ता है। तो पहला क्या है कि आपके पास 2 से 3 मंथ का करेंट रसीद ज़मीन का कटाया हुआ होना चाहिए। दूसरा एक ठो LPC का फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है। और तीसरा चीज़ आपका आधार कार्ड या तो वोटर आईडी कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ता है। इन डॉक्यूमेंटों के लेकर आपको ब्लॉक जाना पड़ता है और ब्लॉक में RTPS ऑफिस में इसको सबमिट करना पड़ता है, उस ऑफिस में जमा करना पड़ता है, और उस ऑफिस से आपको रिसिप्ट दिया जाता है, और उस रिसिप्ट में एक एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ रहता है। उस एप्लीकेशन आईडी जो लिखा हुआ रहता है, तो आपका जो LPC सर्टिफिकेट है उसको बनने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अगर आपके यह सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंतर्गत आप चेक करना चाहते हैं, तो जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिलता है उसको ऑनलाइन इंटरनेट में डाल के और आप चेकआउट कर पाएंगे कि मेरा अभी तक बना है कि नहीं बना है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसका बनने का प्रोसेस क्या है। तो इसका बनने का प्रोसेस है दोस्तों कि जब आप पेपर को सबमिट कर देते हैं तो सबसे पहले यह पेपर तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार का मतलब जिसको हम लोग कर्मचारी बोलते हैं, तो कर्मचारी के पास सबसे पहले इस पेपर का वेरिफिकेशन होता है, और कर्मचारी के पास वेरिफिकेशन होने के बाद यह टोटल पेपर जाता है CI के पास। CI के पास यह पेपर वेरिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड होते हैं, उनका यह मुहर और सिग्नेचर लगता है। उसके बाद वो जो है अपने से ऊपर वाले ऑफिसर के पास CO के पास भेजते हैं, और CO के पास वेरीफाई होता है, उनका मुहर लगता है, उनका सिग्नेचर लगता है। उसके बाद इस पेपर को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है, और इस पेपर को इंटरनेट पर अपलोड करने के बाद यह आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। और जितने दिन के अंदर आपको टाइम दिया जाता है, कितना दिन के अंदर आपको ब्लॉक में आकर इस पेपर को ले लेना है, तो जब आप फिर दोबारा जाएंगे तो यह सर्टिफिकेट बन के आपका रेडी रहता है। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं बाद में, और यह आपने जाके ब्लॉक में ओरिजिनल भी ले सकते हैं। तो यही जानकारी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारी को लगातार लेकर आते रहता हूँ, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।
जय भारत, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।